जैसे कि आप सबको विदिती है कि हमारे पत्रकार बिरादरी के बीच से लोकार्पण न्यूज़ के जो एडिटर हैं, संस्थापक हैं त्रिभुवन चौहान जी, आप हम सभी के अनुरोध पर, क्योंकि एक वैकल्पिक राजनीति की आज ज़रूरत है, और आज हम सभी के अनुरोध पर जो है आप केदारनाथ से जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें प्रत्याशी बने हैं, और हम सभी पत्रकार बिरादरी सहित जो विभिन्न जो क्षेत्रीय राजनीतिक और सामाजिक संगठन हैं, जो जन सरोकारों के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सभी का एक सामूहिक आह्वान है कि हमारा जितने भी जन सरोकारों के लिए काम करने वाले लोग हैं, जन सरोकारों के लिए पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन सब लोग मिल करके अपना एक वैकल्पिक राजनीतिक रूप में अपना प्रत्याशी खड़ा करें, ताकि जनता को एक विकल्प मिल सके। जो राष्ट्रीय दल हैं, सो कॉल्ड दिल्ली वाले दल, और जो प्रोफेशनल राजनीति है, जो बाजारू हो चुकी है, जो बिल्कुल गिव एंड टेक रिलेशनशिप और कॉरपोरेट कल्चर में जा रही है, उसमें जनता को उसका वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में एक विकल्प मिल सके, इसी आह्वान और संकल्प के साथ पिछली बार आप सबने देखा था कि हम लोगों ने नवल खाली जी, जो पहाड़ टीवी के संपादक हैं, उनको सपोर्ट किया था, और इस बार त्रिभुवन चौहान जी, जो लोकार्पण न्यूज़ से हैं, उनको केदारनाथ उपचुनाव के लिए हम लोगों ने अपना समर्थन दिया है। इसमें जो उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे प्रमोद काला जी हैं, और सामाजिक संगठन और जो पहाड़ी स्वाभिमान सेना है, और मूल निवास भूकानून संघर्ष समिति में सक्रिय रहे हैं एक्टिविस्ट हमारे प्रमोद काला जी का भी इनको समर्थन है, और आप देख रहे हैं कि लंबे समय से जो बेरोजगार संघ, जो भर्तियों को लेकर के, बेरोजगारों को लेकर के सक्रिय है, जिनके संघर्ष के चलते एक नकल विरोधी कानून बनाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा, तो उनके जो उपाध्यक्ष हैं राम कंडवाल जी, जो अध्यक्ष जी हैं बॉबी पवार जी, वो क्षेत्र में बिजी होने के चलते यहाँ पर आ नहीं पाए, लेकिन उनके प्रतिनिधि और उनके साथ जो सहयोगी हैं राम कंडवाल जी, उपाध्यक्ष बेरोजगार संघ से, वो हमारे बीच में हैं, उनका भी पूरा समर्थन है। और राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी से एक स्वयं मैं आपके समक्ष हूँ, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुलोचना ईस्टवाल जी, और जो महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं सैलबाला बमगाई जी, आप हमारे साथ ही यहाँ इसी हॉल में उपस्थित हैं। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति सेना के भाई ललित श्रीवास्तव जी हमारे साथ समर्थन में हैं। नशा मुक्ति आंदोलन में लंबे समय से सक्रिय कुसुम जोशी जी इस चुनाव में जो है समर्थन दे रही हैं, और रमेश जोशी जी स्वराज सेवा दल के जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, रमेश जोशी जी का भी समर्थन है। इसके अलावा रघुवीर सिंह बिष्ट जी, गौरव सेनानी जी हमारे साथ हैं, और केसर सेमवाल जी भी जो है, केसर सेमवाल जी का भी समर्थन है उपचुनाव में हमारे त्रिभुवन चौहान जी को। तो साथियों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो डिटेल्स है, इसके लिए मैं संबोधित करने के लिए अपने त्रिभुवन चौहान जी भाई को और अन्य साथियों को भी समर्थन में निवेदन करूंगा कि आप भी अपने समर्थन में दो शब्द कहेंगे। साथियों, आज की डेट में वैकल्पिक राजनीति की बहुत ज़रूरत है, ताकि वक्त इतिहास हमसे ये ना पूछे कि भाई अगर हम किसी को समर्थन देते तो आपके तो कैंडिडेट ही नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि जनता का एक झुकाव बने, जनता के लिए, जनता के सामने एक विकल्प हो, और आप देख सकते हैं कि लंबे समय से लोकार्पण न्यूज़ की ओर से हमारे त्रिभुवन चौहान भाई जनता के मुद्दों को उठाते रहे हैं, और दूसरी ओर आप इनके समकक्ष जो प्रतिनिधि हैं, जैसे ही वो घोषित होंगे तो आप सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं। आपके सम्मानित न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं जनता से भी एक अपील कर रहा हूँ कि आप सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं कि दिल्ली वाले दलों में या दूसरे दलों में जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है, वो प्रत्याशी घोषित होने से पहले उसकी समाज में क्या भूमिका रही है, या केवल वो केवल चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली वाले दलों का एक ठप्पा लेकर के आपके समक्ष खड़ा हो रहा है, या उससे पहले भी उसका जीवन सामाजिक सरोकारों के लिए रहा है। साथियों, मेरा दो टूक ये मानना है कि जो व्यक्ति पावर आने से पहले, जिस तरीके से आदमी के पास पैसा होता है, पैसा आने से कुछ नहीं बदलता, जो काम ऑलरेडी कर रहा होता है वही बढ़ के दिखता है हमें। जैसे कोई आदमी भ्रष्ट होता है तो वो ज़्यादा भ्रष्टाचार करता है पैसा आने पे, कोई आदमी समाज सेवा करता है, दान देने वाला होता है, तो उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा समाज सेवा करेगा, ज़्यादा दान देगा। इसी तरीके की ये जो सामाजिक सरोकार वाले लोग हैं, त्रिभुवन चौहान जी जैसे या नवल खाली जी जैसे, या जो तमाम लोग जो सामाजिक सरोकारों से अपने अल्प संसाधनों से यथाशक्ति लगे हुए हैं, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अगर इन सब लोगों को हम सत्ता देंगे, इन सबको पावर देंगे, इनके प्रति विश्वास जताएंगे, तो जो काम ये अपने अल्प संसाधनों में, अल्प सामर्थ्य में कर रहे हैं, उसको वो ज़्यादा बड़े स्तर पे कर सकते हैं, और हम लोग उत्तराखंड की राजनीति को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। इसी संकल्प के साथ आज हम लोगों ने यहाँ पे त्रिभुवन भाई को समर्थन देने की घोषणा की है। धन्यवाद। मैं कहूँगा कि अपने साथियों से कि आप भी प्लीज़ अपने त्रिभुवन भाई के समर्थन में दो शब्द कहेंगे। देखिए, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज
ये मजबूर हमें क्यों होना पड़ा है कि आखिरकार हमें एक पॉलिटिकल पार्टी को या फिर पॉलिटिकल एक नेता को हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं फिलहाल, चाहे वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ऐलान करना हो विधानसभा के सदन से कि मैं बाबा केदार की कसम खाकर कहता हूं कि बेरोजगारों से जितने भी मुकदमे हैं वो सब मैं हटवाऊंगा, लेकिन आज उस बात को पूरे 1.5-2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों के मुकदमे नहीं हटे हैं। हम चाहते हैं कि भाई त्रिभुवन चौहान केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़े और पुरजोर तरीके से उत्तराखंड के बेरोजगारों के हित में जो लड़ाई जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं उस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें एक ऐसा प्रतिनिधित्व वहां पर चाहिए जो उत्तराखंड के लाखों बेरोजगारों की, ये संख्या लाखों में है और केदारनाथ में भी हजारों बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों की लड़ाई भाई त्रिभुवन चौहान लड़े। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का, भाई बॉबी कुमार का पूरा समर्थन त्रिभुवन चौहान जी के साथ है और हम चाहते हैं कि जो अब तक मांगे उत्तराखंड के बेरोजगारों की, जो भर्तियां लटकी हैं, जो अटकी हैं, उन तमाम चीजों को लेकर भाई त्रिभुवन चौहान वहां से आवाज उठाएं। और आपको बहुत बहुत बधाइयां और हम चाहते हैं कि संघर्ष को आप आगे बढ़ाएं और वहां केदारनाथ में केदारनाथ के विधायक बनकर प्रदेश के तमाम लाखों बेरोजगार आपका समर्थन करेंगे। नमस्कार। बहुत लंबे समय से त्रिभुवन भाई पत्रकारिता के माध्यम से और अन्य माध्यम से सारी समस्याएं प्रदेश की समस्त क्षेत्र की उठाते रहे हैं, जिस कारण आज हम भाई त्रिभुवन चौहान जी को अपना समर्थन, उत्तराखंड क्रांति सेना परिवार अपना समर्थन देती है। तो मैं यही आशा करता हूं कि त्रिभुवन भाई आपने जो आवाज़ उठाई है उसे आप जनता के हित में अच्छे कार्य करेंगे और जनता को भी आप पे पूर्ण भरोसा है और केदारनाथ की जनता से यही प्रार्थना है कि जितना ज़्यादा हो सके समर्थन दें, प्यार दें और अधिक से अधिक मत दें। धन्यवाद। सादर प्रणाम। देखिए, हमारे त्रिभुवन चौहान जी एक लंबे समय से केदारनाथ में लगातार प्रयासरत हैं, एक सशक्त आवाज हैं और एक मजबूती के साथ में जिस प्रकार से केदारनाथ में अपनी आवाज को प्रखरता से रख रहे हैं, स्वराज सेवा दल पुरजोर तरीके से पूर्ण रूप से त्रिभुवन चौहान जी का समर्थन करता है और आम जनता से ये अपील करता है कि त्रिभुवन चौहान जी को वोट दें और एक मजबूत विधायक के तौर पर उत्तराखंडी होने के नाते इनको जो है विधानसभा के पटल पर पहुंचाएं ताकि पूरी केदारनाथ की जो आम जनता है उसका विकास हो सके, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा जिस प्रकार से दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड को लूटने खसोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अगर उत्तराखंड से एक निर्दलीय विधायक के तौर पर त्रिभुवन चौहान जी विधानसभा के पटल पर पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं कि ये तमाम जो कांग्रेस और भाजपा या तमाम जो इस प्रकार के लोग हैं जो उत्तराखंड का शोषण कर रहे हैं उनकी तमाम जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको नष्ट करने का त्रिभुवन भाई पूरा जो है काम करेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। मैं प्रमोद काला, पहाड़ी स्वाभिमान सेना से मैं जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, जब हम सामाजिक आंदोलन कर रहे होते तो लोग हमें पूछते हैं कि आपका मकसद क्या है, तो मकसद सीधा सीधा है कि इस प्रदेश के अंदर एक क्षेत्रीय ताकत भी यहाँ पे एक उभरनी चाहिए और जब जब हम देखते हैं कि चाहे जो भी सशक्त उम्मीदवार सामने आता है, चाहे पीछे लोकसभा चुनाव के दौरान हमने बॉबी भाई को देखा है और उन्हें एक बहुत अच्छा एक चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा एक अपना अपने आप को साबित किया है, तो इसी क्रम में फिर अब जब त्रिभुवन भाई की जब चर्चा हुई थी तो हमने उनको पूरी तरीके से समर्थन देने का फैसला किया है और केवल समर्थन ही दिया, ये एक देखिए जनता चाहती है कि उनके सामने सशक्त निडर एक गंभीर व्यक्ति आप हमारे विधानसभा में पहुंचे जो विधानसभा के अंदर हमारे मुद्दों को निर्भीकता के साथ उठाए, तो इसी को देखते हुए हमने त्रिभुवन चौहान जी को अपना पूर्ण समर्थन दिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का जो आप लोग आए यहाँ पे, और दूसरी बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में से एक छोटे से परिवार से लेकर हमारे साथ चलने वाले त्रिभुवन चौहान जी जो है हमारे मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो हर जगह जाते हैं, जहाँ देखा होगा आपने, जहाँ आपदा विपदा जहाँ जहाँ भी आती है वो लोग वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं, तो हम जितने भी गौरव सेनानी हैं हमारा सबसे और सभी से हम ये अनुरोध, और त्रिभुवन चौहान जी हम तो लगातार देख रहे हैं, हर मुद्दे पे देखते रहते हैं, तो आप लोगों से बेटर कोई नहीं जान सकता, हमारा पूर्ण समर्थन है और पूरी उम्मीद है
और पूरा एक कामना भी करते हैं, निवेदन करते हैं केदारनाथ की जनता से कि सभी पूर्ण रूप से सहयोग करना, पूरा सपोर्ट करना और आपके सामने एक मजबूत स्तंभ आपकी विधानसभा के अंदर जब पहुंचेंगे तो आपकी पूरी आवाज और पूरे जन समस्याओं का समाधान यही लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।